जीवन में हर पल आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जिस समय आपके भीतर ये है कि हमें तो पूरा ज्ञान है, हम तो पूर्ण हैं, हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना जीवन का पतन वहीं से होगा। तो कुछ पाने की उम्मीद नहीं करें, जो भी आपके पास है उसको ही बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो जीवन में यकीन बदलाव भी होंगे और आप समस्याओं से निजात भी पाएंगे, ये हमारा अनुभव है। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और एक ऑथर आप सभी को निमंत्रित करता हूँ आज की इस यात्रा में। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि IBS कौन सी उम्र में सबसे ज़्यादा हमें इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सवाल कहाँ से लिया गया। सवाल काफ़ी लोगों का है जो हमें YouTube की कमेंट बॉक्स में और पर्सनली हमें WhatsApp पे काफ़ी बार मैसेज किया गया है। हम जो इसका जवाब देंगे वो कहाँ से देंगे, हमारे पिछले लगभग 2 साल के एक्सपीरियंस, लगभग 20,000 IBS योद्धाओं से की गई बातचीत की चर्चा के विषय, और हमारे पास उनका रिकॉर्ड प्लस जो हमारा 6 साल का खुद का एक्सपीरियंस रहा, इस रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस और हमारे प्रैक्टिकली अनुभव, इसी के अनुभव के आधार पे हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि IBS होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं किस उम्र में होती है या कब हो सकती है, रोका कब जा सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। IBS के लिए पर्टिकुलर अगर कोई उम्र की बात करें तो ये साइंटिफिक रूप से कोई साबित नहीं होता कि किस उम्र में हो सकता है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है और जो हमने स्टडी की है, इस स्टडी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये बात क्लियर करते हैं कि इसकी होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो है वो है लगभग 13 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र में सबसे ज़्यादा प्रबल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन IBS किसी भी उम्र में हो सकता है, 25 के बाद भी हो सकता है, 30 की, 35 की, 50 की, 70 साल की उम्र में भी हो सकता है। IBS नॉट बी ए डिजीज़, ये बात समझना पड़ेगा। IBS कोई बीमारी नहीं है, मैं बार बार दोहराता हूँ कि IBS नॉट बी ए डिजीज़, IBS बीमारी नहीं है, ये बात समझिएगा। BP बढ़ना कोई बीमारी थोड़ी है, गलत आदतों का परिणाम है। आदतें सुधारेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाएगा, खान पीन सुधारो, स्ट्रेस मत लो, रूटीन लाइफ में थोड़ा योग वगैरह सही रखो, थोड़ा फैट वाली चीज़ें इंटेक कम करो, तो जो ब्लड प्रेशर आपका अपने आप संतुलन में आएगा। सफ़ेद नमक मत खाओ, ब्लड प्रेशर अपने आप आपका कंट्रोल में आएगा। डाउन है तो सफ़ेद नमक कंज्यूम करो, हाई है तो सेंधा नमक कंज्यूम करो। ये समझने की बात है, सिंपल सी पहली बात पे बात कर लेते हैं। ऐसे अगर IBS का जो हमारा मुख्य सवाल है, इसके होने की जो संभावना मैंने बताया कि 13 से लेकर 25 साल की उम्र में कभी भी हो सकता है, लेकिन इसी उम्र में क्यों, इसी उम्र में होने का सबसे बड़ा कारण है कि सबसे बड़ी हमारी गलत आदत है वो है हस्तमैथुन, जो आज की नई युवा पीढ़ी में 90% योद्धाओं के साथ ये घटना होती है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इसके करने की वजह से होती है और इसको नहीं करने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये कारण सबसे स्ट्रॉन्ग है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसमें सबसे बड़ा कारण है। नंबर दूसरा, रात को लेट तक अगर आप सो रहे हैं और सुबह लेट तक अगर आप उठ रहे हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया है कि IBS होने के मुख्य कारणों में इस टॉपिक के ऊपर मैंने बात की है, गलत लाइफ स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन होने की जो संभावनाएं हैं वो इसी में है, क्योंकि नया बच्चा कभी किसी से सीखने की कोशिश नहीं करता है, खून गर्म होता है, उबाल मारता है, तो किसी को कुछ समझने की कोशिश नहीं करता, ये बात एक्सपीरियंस से आती है। क्योंकि इस बात को समझो, जब तक हम किसी बात को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हम उस बात को एक्सेप्ट कभी नहीं करते हैं कि ये बात हमारे लिए सही है या गलत है। तो नया बच्चा क्या करता है, रात को लेट तक पढ़ने की कोशिश करता है या रात को लेट तक ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करता है, और सुबह बेझिझक होकर के अगर वो आउटर में कहीं पढ़ रहा है, हॉस्टल स्टडी लाइफ है या कॉलेज लाइफ है या कहीं घर से दूर है, तो फ्रीडम है, आज़ाद है, रात को लेट तक सोता है, सुबह लेट तक उठता है, कौन रोकने वाला है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा है, बाहर लगातार कंज्यूम करता है खाना, फास्ट फूड खाते हैं, गलत तरीके से गलत लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, सभी चीज़ों में गलत है, हम सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सवाल था मुख्य है कि किस उम्र में होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो यही उम्र की 13 से लेकर के 25 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होने की संभावनाएं IBS की है। अब ये किस में ज़्यादा होता है, मेल फीमेल में, तो इसकी अगर ओवरऑल रिकॉर्डेड की बात करूँ, जो हमारा अनुभव रहा है इसमें, लगभग हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 70% रिकॉर्डेड में फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब फीमेल्स में, महिलाओं में या लड़कियों में इसके होने की ज़्यादा ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कंपेरेटिव टू मेल्स। लड़कों के बजाय लड़कियों में बहुत ज़्यादा IBS होने की संभावनाएं हैं, ये हमारे पास रिकॉर्डेड है जो हमने बात की है।
उसके पीछे दो कारण है, लड़कियों में ज़्यादा क्यों, लड़कियाँ इमोशनली ज़्यादा होती है, हर बात को वो अपने हार्ट पे लेती है, हर बात के लिए छोटी छोटी बातों पे इमोशनली वो कनेक्ट रहती हैं, किसी को कुछ बोलने से दुखी हो जाती है, किसी कुछ कहने पे दुखी हो जाती है, किसी को छोड़ने पे दुखी हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी हो जाती है, अपने मन मुताबिक कोई चीज़ें नहीं हो पाई दुखी हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया तुम बहुत पतले दिखती हो दुखी हो गए, अपनी फेवरेट चीज़ नहीं खा पाई किसी से खुद को कंपैरिजन कर दिया तो दुखी हो गए। लेकिन लड़के एक हद तक फ्रीडम रहने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वो माइंड पे कम लेते हैं कंपैरिजन टू फीमेल से। तो बात ये समझ आई आपको कहीं ना कहीं, मैंने समझा सिंपल मेथड से कि IBS होने की संभावनाएं 13 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र में सबसे ज़्यादा हैं, होने की संभावनाएं हैं लड़कियों में ज़्यादा होता है। अब इसको रोकने के सिंपल जो उपाय है, मैंने बहुत सारी वीडियो बात की है, IBS क्यों होता है, कब होता है, IBS को रोकने के लिए कौन से योगा कर सकते हैं, कौन सी डाइट पे काम कर सकते हैं, कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या रूटीन लाइफ होना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट का उपचार है, क्या हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ देते हैं, इन सभी चीज़ों मैंने बात कर रखी है। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है आपका तो बेझिझक आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, हम उस पर अगर सवाल महत्वपूर्ण होगा तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं यही बात बोलूँगा आप सभी को कि जीवन में अगर आगे की ओर बढ़ना है, समस्याओं का समाधान पाना है, तो अपने जीवन में हर वक्त आप लेसन रखो, सीखने की कोशिश रखो, अज्ञानता का भाव रखो। जीवन में हर पल आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जिस समय आपके भीतर ये है कि हमें तो पूरा ज्ञान है, हम तो पूर्ण हैं, हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना जीवन का पतन वहीं से होगा। तो कुछ पाने की उम्मीद नहीं करें, जो भी आपके पास है उसको ही बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो जीवन में यकीन बदलाव भी होंगे और आप समस्याओं से निजात भी पाएंगे, ये हमारा अनुभव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में छोटी सी बात, जिस नई लोकेशन को आप बैकग्राउंड से देख रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा आपने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन एक बहुत कमाल की चीज़ें हैं जो हम आपको आने वाले समय में फ्यूचर में रिवील करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय के साथ सस्पेंस के साथ चलने देते हैं। आप सभी को बहुत जल्द हम निमंत्रित करेंगे, यहाँ से आमंत्रण भेजेंगे। जब भी समस्याएं आपको ज़्यादा घेरेंगी, बेझिझक आप विश्वास करके यहाँ आइएगा, आप अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। योग करो, जीवन में निरोग रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।